बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त अॼु जो असांजो कानून जे मूजिब जेको टॉपिक आहे उहो आहे मोहम्मद अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह बेसिकली तौर ते तव्हां सां सभिनी खे ख़बर आहे त मोहम्मद अल्लाह यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी ज़िंदगीअ में जेके बि मामलात हल करण जे हवाले सां ॿुधाया आहिनि उनखे असां मोहम्मद अल्लाह था चऊं। मोहम्मद अल्लाह यानि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां वाबस्ता जेका ज़िंदगी आहे उन ज़िंदगी कीअं गुज़ारी, शादियुनि जे हवाले सां, औलाद जे हवाले सां, विरासत जे हवाले सां या हक़ शिफ़ा वग़ैरह जे हवाले सां, यानि इस्लामी लिहाज़ सां, शरई लिहाज़ सां ॿुधायल जेके बि ज़िंदगी जा उसूल आहिनि उनखे असां मोहम्मद अल्लाह था चऊं। यानि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके असांखे ॿुधाया आहिनि ज़िंदगी कीअं गुज़ारिजे ऐं कीअं ज़िंदगी गुज़ारण जा जेके उसूल आहिनि उन जे बारे में अॼु असांजो टॉपिक आहे मोहम्मद अल्लाह। छाकाणि त हीउ हिकु कानून आहे ऐं हिन कानून ते अमल पैरा करणु हर मुस्लमान ते फ़र्ज़ु आहे। इन जे लाइ मोहम्मद अल्लाह जो हिकिड़ो कानून वजूद में आयो जंहिं ते मुस्लमान जेको पंहिंजे पाण खे मुस्लमान सॾाए थो उहो अंडर ऑब्लिगेशन आहे, यानी उहा उन जी ज़िमेवारी आहे त उनखे फॉलो करे। ऐं को बि अहिड़ो कानून जेको मुस्लमान मोहम्मद अल्लाह खां हटी करे अपनाईंदो त उहो गैरक़ानूनी अमल करार ॾेई सघिजे थो ऐं ॾिनो वेंदो। अचूं था पंहिंजे असुल मौज़ू ते त मोहम्मद अल्लाह जेको कानून आहे उहो पाकिस्तान जे अंदरि पूरे पाकिस्तान में राइजियल अमल आहे। इन करे मोहम्मद अल्लाह खे वॾी फोकियत हासिलु आहे ॿियनि कानूननि जे मथां। ॿ मुस्लमान जेकॾहिं कंहिं विरासत जे हवाले सां सक्सेशन यानि जेकॾहिं को शख़्स वफ़ात करे वञे त उनजे पोइ ते जेके वारसा आहिनि उहे कीअं उन शइ जी तक़सीम कंदा, उनजे हवाले सां पारेसरी यानि प्रीएम्पशन राइट जेकॾहिं कंहिंजी जॻह या का ज़मीन का मिल्कियत प्रॉपर्टी आहे त उहो पाड़े वारो कीअं क्लेम करे सघंदो, इन जे बारे में मोहम्मद अल्लाह ॿुधाए थो त मोहम्मद अल्लाह यानि शरई क़ानून जे हवाले सां उन्हनि सभिनि शयुनि खे परसू कयो वेंदो, उन जे लाइ दावा कई वेंदी या उनखे फॉलो कयो वेंदो। लेकिन असां अचूं था बेसिक लॉ जे हवाले सां त वॉट इज़ मोहम्मद अल्लाह। आई हैव ऑलरेडी नैरेटेड ब्रीफ फैक्ट्स रिगार्डिंग द मोहम्मद अल्लाह। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट मोहम्मद अल्लाह कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी चैप्टर्स एंड हाउ मैनी सेक्शंस। एक्चुअली मोहम्मद अल्लाह हैव 19 चैप्टर्स। मोहम्मद अल्लाह में घणा चैप्टर आहिनि? हाउ मैनी चैप्टर्स आर इन मोहम्मद अल्लाह? There are 19 chapters in Muhammad Allah. How many sections are in Muhammad Allah? There are 375 sections in Muhammad Allah. Yani 375 sections in Muhammad Allah mein. Ai 19 chapters the mustamil hi qanoon yani Muhammad Allah thail aaye. Muhammad Allah Pakistan mein शरई क़ानून जी हैसियत रखे थो। यानि शरीयत एक्ट 1962 जे हवाले सां जेके तव्हां पढ़ंदो त उन में मोहम्मद अल्लाह विरासत या सक्सेशन जे हवाले सां या प्रीमशन जे हवाले सां, फैमिली मसइले जे हवाले सां, कंहिं बि क़िस्म जो मसइलो जेकॾहिं उहो क्रिमिनल लॉ या लॉ ऑफ एविडेंस जे हवाले खां हटी करे जेकॾहिं ॿिनि मुस्लमाननि जे विच में पैदा थिए थो त उते शरई एक्ट खे सभ खां पहिरियां मदे नज़र रखियो वेंदो ऐं ॾिठो वेंदो। उन खां बाद में ॿिए जेके सबसिक्वेंट जेके कानून ठहिया या जेके आहिनि मुल्क जे अंदरि पाकिस्तान जे अंदरि उन्हनि खे ॾिठो वेंदो। सभ खां पहिरियां जेका फोकियत हासिलु हूंदी उहा शरई एक्ट यानि मोहम्मद अल्लाह खे हासिलु हूंदी ऐं उन जी जेकॾहिं को कानून वायोलेशन में आहे या उनजी कंट्राडिक्शन में आहे त पहिरियां जेका हैसियत हासिलु हूंदी उहा मोहम्मद अल्लाह खे हूंदी। यानि शरीयत एक्ट 1962 खे जेकॾहिं तव्हां पढ़ंदो यानि शरई क़ानून खे अवलियत हासिलु हूंदी। पाकिस्तान जे अंदरि जेको असांजो आईन ठहियो आहे 1973 में, उन में इन शइ जी गारंटी ॾिनल आहे आर्टिकल 2 ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे 1973। आर्टिकल 2 जॾहिं तव्हां पढ़ंदो त उनजी इंडेक्स जेका आहे उहा आहे यानि सब्जेक्ट मैटर उन आर्टिकल जो आहे इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। यानि पाकिस्तान जो जेको मज़हब हूंदो उहो स्टेट जो रियासत जो जेको हूंदो उहो इस्लाम हूंदो। छाजे करे त हीउ मुल्क इस्लाम जे नाले ते ठहियो, इन करे उन जी जेका रियासत जेका आहे उहा कहिड़े मज़हब खे अपनाईंदी उहा हूंदी इस्लाम खे। इन करे आर्टिकल 2
अंडरटेकिंग तो जे गारंटी तो जे तो इन मुल्क के अंदर को भी अड़ो कानून जो इस्लाम के खिलाफ़ यानि मोहम्मद अल्लाह के खिलाफ़ यानि शरई मोहम्मदी के खिलाफ़ जो कानून ठाया वो या ठहे तो उनकी का हैसियत कान होंगी चाहे वह बुनियादी हक के हवाले से छो न हो जो शख्स चवे तो यो मुझे बुनियादी हक है आईन मुख्य इजाज़ दिए तो यो फंडामेंटल राइट्स आज मुझा अगर जो बुनियादी हक मिसाल के तौर मेरा जिस मेरी मर्जी के हवाले से जो हो तो अड़े किस्म जो को भी बुनियादी हक जो शरई एक्ट 1962 यानि मोहम्मद अल्लाह के खिलाफ़ हों तो आईन उन अंडरटेकिंग तो जे तो कें अड़े किस्म जो बुनियादी हक या को अड़ो कानून जो आईन भी जा सके तो वो शरीयत एक्ट 1962 या मोहम्मद अल्लाह जे कंट्रावेंशन में होंद उन खिलाफ़ उन उबतड़ हों तो पैर मोहम्मद अल्लाह के फोकियत हासिल होंगी उन आईन भी उन इजाज़त न तो रही सके। हाँ चूं था चैप्टर नंबर 1 जो असो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मोहम्मद अल्लाह इन टू सब कॉन्टिनेंट यानि भरे सके पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहन था उनते मोहम्मद अल्लाह यानि शरई कानून नाफिज अमल है लेकिन क्रिमिनल लॉ जो पानो पान में कोई झेड़ो है कोई तजाद है जी मिसाल के तौर पर का चोरी है कें मुसलमान की चोरी थी तो वो उन मुल्क के कानून जो पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान पीनल कोड इंडिया में आया इंडियन पीनल कोड के हवाले से उनते कार्रवाई थी सक्सेशन इनहेरिटेंस फैमिली मैटर्स विरासत एडॉप्टेशन या जो मुसलमान जो पांजो पान में अड़ो इशू जो शरीयत के हवाले से हल कर मुनासिब हों तो उते मोहम्मद अल्लाह के फोकियत हासिल होंगी शरीयत एक्ट जो 1962 के हवाले से पाकिस्तान के पूरे मुसलमान से वो रायजल अमल होंद। चैप्टर नंबर 1 में टोटल 18 सेक्शंस और उनके इंट्रोडक्शन में तक बुधा तो इंट्रोडक्शन ऑफ मोहम्मद अल्लाह इन टू सब कॉन्टिनेंट आर्टिकल 2 के हवाले से है तो उन मुल्क के अंदर जो मुसलमान रहन था पाकिस्तान में रहन था वो आईन के आर्टिकल 2 के मूजिब उन मजहब इस्लाम की रियासत जो ठाए दिनी वही है उन में मोहम्मद अल्लाह जो निफास किया वो शरई कानून होंद उन के खिलाफ़ अगर कें भी किस्म जो कानून ठाको तो वो गैर कानून ए गलत होंद। इंशाल्लाह ताला वरी कें नए टॉपिक से इन मोहम्मद अल्लाह के हवाले से बे नेक्स्ट टाइम से ज़रूर हाजिर थी तेस ताईं अल्लाह निगम।